वेलकम बैक. वी वर डूइंग केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. ओके, इन टूडेज वीडियो वी विल सी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. सो लेट्स बिगिन. वी विल टेक दिस एग्जाम्पल. Fe प्लस H2O गिविंग राइज टू Fe3O4 प्लस H2. दिस इज वन केमिकल इक्वेशन. वी डोंट नो वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट. वी विल सी फर्स्ट इट इज बैलेंस और नॉट. यू नो द रिएक्टेंट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट साइड इज राइट हैंड साइड. एंड एज वी हैव सीन इन द अर्लियर वीडियो, आई हैव टोल्ड यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वॉट द लॉ से दैट द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी जस्ट कन्वर्टेड इन टू वन फॉर्म और द अदर. ओके, इट मीन्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट साइड. ओके, फर्स्ट वी विल चेक दैट. फॉर दैट वी विल ड्रॉ वन स्मॉल टेबल. लाइक वी विल हाउ मेनी, फर्स्ट वी विल सी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. 1, 2, 3, ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर. व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देन वी विल सी व्हाट आर इन द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एंड व्हाट आर इन द प्रोडक्ट. व्हाट आर द नंबर ऑफ और नंबर ऑफ एटम्स. यस, नंबर ऑफ एटम्स. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी Fe ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 1 एंड इन प्रोडक्ट साइड इट इज हाउ मेनी, 3. सो इट इज नॉट बैलेंस. देन वी विल चेक द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट साइड इज 2, हियर इट इज 2, इट इज बैलेंस. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड इज 1, ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज 4. इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस. सो वी विल हैव टू बैलेंस दिस. देर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड वाइल वी बैलेंस इट. नंबर वन स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे हम. द फर्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर. स्टेप 1, यू हैव टू फॉर्म अ स्क्वायर अराउंड ईच एलिमेंट. फर्स्ट फॉर्म अ स्क्वायर अराउंड ईच एलिमेंट. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ स्क्वायर अराउंड ईच एलिमेंट और कंपाउंड ऑन बोथ द साइड्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेप. यू हैव टू सिलेक्ट दैट कंपाउंड विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. तो सिलेक्ट कंपाउंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. हमें वो कंपाउंड चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स है. ठीक है, आफ्टर दैट इन दिस वी विल फर्स्ट सी विच इज द कंपाउंड विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. सो दिस यर इट इज 1, इट इज यर ओन 1, 2, 3, यर 3 and 4, 7 एंड इट इज यर. सो दिस वन Fe3O4 हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. आफ्टर सिलेक्टिंग दिस सेकेंड थर्ड स्टेप इज विद इन दिस कंपाउंड सिलेक्ट the element which has maximum atoms.
within this compound, within Fe3O4, within this compound you have to select the element which has maximum oxygen. Oxygen has 4. Okay, so we will start balancing from oxygen. We will take first oxygen. We will see whether it is balanced on both the side or not. So the third step, this is step A, second A, and this is second B. Now we will see the third step. What is the third step? In the third step, we will balance oxygen. We will first see how many number of atoms of oxygen are there on the both the side. Okay, so oxygen on reactant and product. On reactant it is how many? 1. In product it is 4. Okay, it means we need 4 atoms or number of atoms 4 on the reactant side. We एक बात आप याद रखिए, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम रहते हैं उतने ही हमको दूसरे साइड पे बैलेंस करना पड़ता है. लाइक इफ ऑन प्रोडक्ट साइड वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट नंबर ऑफ एटम विल बी रिक्वायर्ड ऑन द रिएक्टेंट साइड. नंबर ऑफ एटम 4 इज इन द प्रोडक्ट साइड, इट मीन्स दैट नंबर ऑफ एटम शुड कम ऑन द रिएक्टेंट साइड. सो हाउ वी विल डू दैट? We will add 4 coefficients, 4 coefficient before oxygen. But how that you will put? We can't put like, can we do it like this? No. Okay, we cannot do like this also, because if we will do, the chemical formula will change. We don't have to change the chemical formula by putting the coefficient or putting the number. So what we, and you have to write outside the square. So here you will put the 4. Okay, now we will count the number of atom of oxygen. It is 4 on reactant side, now it is 4 on the product side. So oxygen is balanced. So this is partly balanced chemical equation. After balancing oxygen, what is left? Fe is left and H is left, that is iron is left and hydrogen is left. Okay, so always remember, when such type of elements comes, you have always have to choose hydrogen first. First you choose the oxygen, then you choose the hydrogen, then you choose the other elements. This is the way you keep on balancing. First balance the oxygen, then balance the hydrogen, and then balance other elements. Okay, so we have balanced the oxygen, now we will balance the hydrogen. For hydrogen, again we will see how many are present on the reactant side. Hydrogen reactant product on the this reactant side it is 2 and 2, but here we have written 4 outside it. So 2 into 4, this because it is outside the square, so it will become multiplication sign. It is a multiplication sign, means this 4 is multiplied by 2 and this 4 is multiplied by the oxygen. So 2 into 4 it will be 8, but here it is only 2, so it is not balanced. So maximum number of atoms we are requiring for balancing hydrogen is 8, and 8 is present on which side? On the reactant side. It means we have to add the coefficient on the product side. So how much, what we will add here? We will here is the square. Outside the square you have to add the 4. You will have to add the 4. So what will it becomes? 4 into 2 8. Here also 4 into 2 8, so it is balanced. Understood? Again I am telling how the hydrogen we have balanced. We have seen that in hydrogen on the reactant side it is 2 into 4. In the product side it is only 2. So
what I have told you on earlier that you have to take baseline that number of atoms which are maximum. So here it is, the 8 is the maximum on the reactant side. So you have to add the coefficient on the product side. So in the product we have, if we will add 4 outside the red square, it will become 2 into 4, 8. So 8, 8, it is balanced. Okay, so in this way hydrogen is also balanced. Now we will, what is left now? Now Fe or iron is left. Fe or iron, Fe is left. On the reactant side it is 1, on in the product side it is 3. So maximum number of atoms are on the product side. So we will do the adding of coefficient in the reactant side, and maximum number is 3. So what we will do inside the square, outside the square we will add 3. Sorry, what happened to iron? Iron is 3 here, iron is here. So this equation is balanced. Now we will write the balance equation. Okay. So here we have added 3, here added 4, here we don't have to add anything, and here we have added 4. And now you do the rewrite it, so it will become 3 Fe plus 4 H2O giving rise to Fe3O4 plus 4H2. Now we will see where, whether it is balanced or not. Fe is 3. This is balanced. Now hydrogen it is here 4 into 2, 8 balance. Now left is oxygen. Oxygen is 4 into 1, 4, and it is 4. So this equation is balanced. I hope you would have understood it, how we have done. Now we can also add in this equation to make it more informative symbols like S for solid, G for gaseous, and L for liquid, and AQ for aqueous. Okay, so it will become more informative chapter. In the next video we will learn more some more examples for balancing the chemical equation. Till then, goodbye and happy learning.